शुरू करें। प्रदेश में कोरोना की स्थिति इस प्रकार है। आज के हिसाब से गत एक दिन में कुल 2,751 सैंपल की जांच की गई है और प्रदेश में अब तक 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 2,08,000 कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,751 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,751 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल आरटीपीसीआर के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए हैं। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। प्रदेश में अब तक 6,61,311 लोग COVID-19 से ठीक होकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में जो प्रदेश सरकार द्वारा विशेष सर्वेलेंस अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि घर घर निगरानी करके, घर घर सर्वेक्षण करके, संक्रमण की तलाश करके मरीजों को ढूंढकर उनका इलाज कराया जा रहा है, उस क्रम में आज 2,12,968 क्षेत्रों में 5,46,085 टीम दिवस के माध्यम से 3,26,070,803 घरों में अब तक 15,80,00,000 की जनसंख्या का सर्वेक्षण अब तक किया जा चुका है और ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है, आगे भी ये जारी रहेगी। घर घर जाकर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को ढूंढकर उनका समुचित समय पर इलाज कराने की जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, उसको और तेजी से आगे चलाया जा रहा है। इसके साथ साथ टीकाकरण का भी काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब तक 91,25,397 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दे दी गई है और पहली डोज लेने वालों में से 16,16,822 लोगों को वैक्सीन की दूसरी भी डोज दी जा चुकी है। इस प्रकार कुल मिलाकर 1,07,42,219 वैक्सीन की डोज लाभार्थियों को लगाई जा चुकी है। कोरोना की टीकाकरण के बारे में सभी नागरिकों से अनुरोध है कि जो भी लक्षित आयु वर्ग के हैं वह अस्पतालों में जाकर अपना टीकाकरण कराएं। निजी अस्पतालों द्वारा भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका टीकाकरण है और साथ साथ सबको हमको सावधानियां बरतनी है, मास्क का निरंतर उपयोग करना है, हाथ धोते रहना है, भीड़ भाड़ से बचे रहना है। सभी लोग अगर इस प्रकार की सुविधा सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण में कमी लाई जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह प्रदेश में कोरोना के लड़ाई में जो रणनीति है उसकी समीक्षा की थी और उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण निर्देश आज दिए हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये खबरें कभी बाजार आ रही थी कि रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की और या जीवन रक्षक अन्य दवाइयों की कालाबाजारी कहीं कहीं हो रही है। इस प्रकार उन्होंने पुलिस को निर्देशित किया है इस प्रकार के सभी ऐसे अपराधी जो इसका इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि वह रेमडेसिविर या अन्य जनउपयोगी और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी अथवा ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने की का प्रयास कर रहे हैं या कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सारी संपत्तियां जब्त हों ताकि आगे वाले आने लोगों को सभी को इस प्रकार का संदेश उपलब्ध हो।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेमडेसिविर की उपलब्धता की समीक्षा भी की है तथा उन्हें बताया गया कि लगभग 1 लाख से अधिक रेमडेसिविर के इंजेक्शन के ऑर्डर सप्लायर्स को जा चुके हैं और अगले 2-3 दिन में लगभग 30,000 से अधिक वायल प्रदेश को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक उपलब्धता इस दवा की प्रदेश में कराई जाए ताकि किसी भी प्रकार से किसी मरीज को इससे वंचित न रहना पड़े। इसके साथ साथ प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्देशित किया है कि जितनी एमएसएमई की इकाइयां हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि औद्योगिक कार्यों के लिए ऑक्सीजन बना रही हैं, उनको निर्देशित किया जाए कि फिलहाल वह उस ऑक्सीजन का उपयोग मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में करें और छोटी छोटी इकाइयां भी यदि हैं तो वो अपने पास के अस्पताल में उस ऑक्सीजन को उपलब्ध कराए ताकि अधिक ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता ना पड़े, अधिक सिलेंडर्स की आवश्यकता ना पड़े, स्थानीय स्तर पर ही ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाए। ऑक्सीजन के बारे में भी उन्होंने ये आम जनता को आश्वासन दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कुछ लोग अफवाहें फैलाकर इस ऑक्सीजन में भी कालाबाजारी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को निर्देशित किया गया है कि ऐसे कालाबाजारी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके गैंगस्टर और रासुका में उनको निरुद्ध करके उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाए। एक भारत सरकार ने प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन का जो आवंटन है वो भी काफी मात्रा में बढ़ा दिया है, इसलिए प्रदेश में अब ऑक्सीजन की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, ऑक्सीजन की उपलब्धता में समस्या नहीं आएगी। उन्होंने बिजली विभाग को निर्देशित किया कि जो ऑक्सीजन प्लांट है उनमें विद्युत की आपूर्ति निर्बाध रूप से करी जाए। इसके साथ साथ 10 ऐसे जनपद जहां पर की सबसे अधिक कोरोना के मामले आए हैं उन्होंने इन निर्देशित किया है कि बेड जहां पर भी जिस भी जिले में इस प्रकार के मामले हैं बेड की संख्या दुगनी की जाए। आज उन्होंने इस बात पर भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया कि केजीएमयू में पूरे केजीएमयू को कोविड अस्पताल में बदलने के उनके निर्देश दिए थे उस पर तेजी से पालन होना चाहिए और लगभग 4,000 बेड जो केजीएमयू में उपलब्ध हो सकते हैं उनको एक समयबद्ध तरीके से जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके साथ साथ बलरामपुर अस्पताल में जहाँ की 700 बेड का भी अस्पताल एक कोविड अस्पताल में वो कन्वर्ट होना था उसमें बताया गया कि लगभग 300 बेड हो चुके हैं, शेष 400 बेड को भी उन्होंने निर्देशित किया कि अगले 24 घंटे में शेष 400 बेड को भी चलाकर इसको 700 बेड का एक पूरा बड़ा अस्पताल इसको बनाया जाए। इसके साथ साथ एरा हिंद डीएसटीएस मिश्रा इंटीग्रल और मेयो मेडिकल कॉलेज को भी पूर्णतः कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्रियाशील कर तत्काल इसमें कार्रवाई अब प्रारंभ की जाए। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को मेडिकल किट भी 1 सप्ताह की दवाइयों का उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में मास्क लगाने की जो नियम है उसको तेजी से उसको बड़ी सख्ती से लागू किया जाए और पहली बार अगर कोई मास्क बिना मास्क के मिलता है तो उसे 1,000 रुपए का जुर्माना और अगर दूसरी बार वही व्यक्ति बिना मास्क के मिलता है तो उसको 10 गुना जुर्माना उसके उस पर लगना चाहिए, इसको सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को भी और सुदृढ़ कर वो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों और टेस्ट कराने वाले मरीजों को भी लगातार उनसे संपर्क कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए तथा उनके उनसे अस्पतालों में सुविधाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि निजी चिकित्सालयों में निजी टेस्ट लैब की भी जो क्षमताएं हैं उनको क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए ताकि अधिक से अधिक टेस्ट प्रदेश में हो सके। अधिक से अधिक टेस्ट होने से मरीजों की सही समय पर पहचान की जा सकती है और सही समय पर पहचान कर सही समय पर इलाज करके उनकी मरीजों की जान बचाई जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार से कोई भी प्राइवेट लैब कोई भी टेस्ट करने से नहीं मना कर सकती है और उन्हें पूरी क्षमता से टेस्ट करने के लिए उनको निर्देशित किया जाए और पूरा टेस्ट उनसे कराया जाए। वर्तमान समय में कोरोना के बीमारी संक्रमण के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से गेहूं क्रय का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। अभी 2021-22 के रबी विपणन वर्ष में गेहूं की खरीद का जो कार्य प्रारंभ हुआ था उसमें 3,67,400 मीट्रिक टन लगभग 36 लाख क्विंटल गेहूं का क्रय हो चुका है। इसके लिए पहली बार 6,000 से अधिक सेंटर खोले गए हैं और इस बार
किसानों के जो संगठन है, किसान उत्पादक संगठनों को भी इसमें क्रय केंद्र आवंटित किए गए हैं। पहली बार किसानों के माध्यम से किसानों का गेहूं खरीदने का एक प्रयास किया जा रहा है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि 72 घंटे के अंदर सभी किसानों के खातों में पैसा, धन, उनका जो धनराशि हस्तांतरित हो जाए, और उसमें काफी मात्रा में सहायता मिल रही है। प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत भर्तियों की प्रक्रिया भी तेजी से चलाई जा रही है। इसके साथ साथ नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना कर एमएसएमई के माध्यम से रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित करने का जो एक अभियान चलाया गया था, उसको और तेजी लाई जा रही है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार का उपलब्ध कराया जा सके। निगरानी समितियां और क्वारंटीन सेंटर्स की माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। प्रदेश में लगभग 800 क्वारंटीन सेंटर्स की स्थापना हो चुकी है, और इसे और तेजी से स्थापित किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों को उनको उनके लक्षणों के हिसाब से इन क्वारंटीन सेंटर्स में रखा जाएगा। वहां पर इनके खाने पीने रहने की सब सुविधाएं सरकार के द्वारा की जाएगी। टेस्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें घर भेजा जाएगा, और अगर उनके घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है तभी उन्हें घर भेजा जाएगा। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिया है कि जिस प्रकार जो पिछले कोरोना के समय में निराश्रित व्यक्तियों, गरीब व्यक्तियों, रेहड़ी पटरी वालों को सबको मासिक उन्हें एक सरकार की तरफ से धनराशि और राशन उपलब्ध कराया गया था, इस बार फिर वो उपलब्ध कराया जाए, उसकी आकलन करने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, और शीघ्र ही इसका वितरण भी प्रारंभ होगा। धन्यवाद।